हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो गए। आज दोस्तों बहुत सारा काम है। मैं उठा भी आज 10 बजे उठा था और 1 बजने लगा, 1 बजने वाला, इसका मतलब मेरा पढ़ने का टाइम होने वाला है। फिर 3 बजे दोबारा हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज काफ़ी सारा काम भी है जो हम साथ साथ में आपको दिखाएंगे, तो बने रहे दोस्तों वीडियो में एंड तक। अभी दोस्तों हम गौशाला से होकर आ चुके हैं, रोटी डाल दी थी आज, मुझे भूल गया वीडियो बनाना वहाँ पे, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो झूठ 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 साफ। और एक मिनट, अब ठीक है ना? ठीक है ना? और दोस्तों अब हम सोच रहे हैं कि अब हम जो कल स्टाइलिश वाली बाइक आपको दिखानी रह गई थी, वो आज वाले हम ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। ये जिसके ऊपर हम राइड कर रहे हैं स्टाइलिश वाली बाइक, वही है। आपको अभी सुनाते हैं, सिलेंसर भी दिखाते हैं, स्पीड भी मैक्सिमम आपको दिखाते हैं इसकी कितनी है। आपको इस पल्सर की आवाज़ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमेशा मैं इसकी बाइक पर ही आता हूँ जहाँ पर भी जाता हूँ। और ये कल हमारी फेयरवेल है तो हमने वॉच दी थी यहाँ पे, और वो वॉच लेंगे यहाँ से। आज दोस्तों मैं नहा धोकर दोबारा से छत पर आया हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है, आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों लग रहा है ना सुंदर, ऐसे भी दिखाऊं, ऐसे नहीं दिख रहा है ना, वो हो रहा फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा उसमें, लेकिन जो बैक वाला कैमरा वो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे शाम को नहाने का मज़ा आता है क्योंकि पानी एकदम ठंडा होता है, तब गर्म जब पूरे दिन का पसीना जब बॉडी पे आया होता है, तब फिर उसके ऊपर जो ठंडा ठंडा पानी पड़ता ना, तो इतना मज़ा आता ना मैं बता नहीं सकता आपको। अभी दोस्तों मैं छत पर आया था, अब मैं नीचे जा रहा हूँ और देखते हैं अब क्या कंटेंट बनता है। तो नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं। टायर भी पंचर हुआ हुआ कल का बाइक का, वो भी पता करना है, ट्यूब पड़वानी है, तो फिर वो भी देखने के लिए जाते हैं।